ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो सबसे पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल अगर आप वीडियो को देखेंगे तो लगता ही नहीं कि अगला पल इतना भयानक होने वाला है, क्योंकि अगर पता हो तो शायद ऐसी गलतियां हम कतई ना करें। गाड़ी वाली चलती गाड़ी में लाउड म्यूजिक का मजा ले रहे हैं, नाच गा रहे हैं, बेफिक्र नजर आ रहे हैं, लेकिन अगला ही पल ऐसा जिसने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मस्ती में चालक का ध्यान भटकता है और गाड़ी पुल से सीधे नीचे गिर जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये खौफनाक नजारा। और लोग जब भी ड्राइव करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये याद क्यों नहीं रखते कि बार बार जो वाहन चलाते वक्त नियमों का पालन करने को कहा जाता है, वो उनकी बेहतरी के लिए कहा जाता है, इन्हीं कारणों के चलते ही कहा जाता है। हालांकि हमारा इनमें से किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं बन पाया है, लेकिन हमें ये पता चला कि हादसे में दोनों की जान तो बच गई है, लेकिन चोटें कितनी गंभीर आई हैं ये हमें पता नहीं चल पाया है। ये खबर राजस्थान से है। खबर मिली कि शाहपुरा के श्याम कॉलोनी वार्ड नंबर 15 जगदीश प्रसाद बल्लीवाल के घर के सामने से 25 जून रात 3 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई, जिसका नंबर RJ52US1375 है। आप CCTV कैमरा में देख सकते हैं कि चोर दूसरी गाड़ी से आते और कितनी आसानी से गाड़ी को वहां से चुरा कर ले जाते हैं। गाड़ी वाले को जब चोरी का पता चलता है तो उसी वक्त सुबह करीब 4:15 पर वो कॉल करके पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन अब तक उनकी गाड़ी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। गाड़ी मालिक खुद वहां के त्रिवेणी टोल प्लाजा पर जाते हैं और CCTV कैमरा से फुटेज निकलवाते हैं, तब उनको पता लगता है कि गाड़ी वहां से 3:40 पर गुजरी थी और चोरों की गाड़ी का नंबर भी कैमरे में कैद हो गया, जो था RJ27UA5173, जो उदयपुर की पासिंग है। गाड़ी मालिक का कहना है कि गाड़ी चोरी की सूचना पुलिस में 1 घंटे बाद ही दे दी गई थी और चाहती तो नाकाबंदी करके गाड़ी मिल भी सकती थी। प्रशासन ने गाड़ी मालिक को उल्टा यह कहा कि शाहपुरा चौक के CCTV कैमरा बंद है, जबकि नगरपालिका के अधिकारी ने बताया कि वहां पर जितने भी CCTV कैमरा है, यानी कि जितने 20 CCTV कैमरा है, उनमें से 14 CCTV कैमरास चल रहे हैं, यानी कि अगर पुलिस थोड़ी भी गाड़ी वाले की मदद करती तो उनको इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती। ये वायरल वीडियो हमारे साथ असनसोल वेस्ट बंगाल के निवासी विकास यादव ने शेयर किया है। उन्होंने बताया कि ये जगह नहीं पता कि गाड़ी वाला कहां से कहां माल लोड करके जा रहा था, लेकिन गाड़ी राजस्थान की है ये तय है, क्योंकि हर स्टेट की गाड़ी की कैबिन की दिखावट अलग अलग होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दो चोर गाड़ी पर चढ़कर माल चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और एक साथी बाइक सवार पीछे पीछे आ रहा है। ड्राइवर को इस बात का अंदाजा तक नहीं है और लोग देख रहे हैं, लेकिन चोरों को कोई खौफ नहीं है। इस पूरे सीन में काबिले तारीफ बात ये रही कि जब चलते कार सवारों को इस गतिविधि के बारे में पता चलता है तो वो सिंगल रोड पर मौका पाते ही ट्रक को ओवरटेक करते हैं, अपनी गाड़ी को उसके आगे लगा लेते हैं, ट्रक चालक को इस बारे में बताते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रक चालक अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो चोर ट्रक से उतरना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ट्रक चालक गाड़ी से कूदते हैं तो चोर बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं और चोरी को अंजाम देने में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं, और पीछे आते ड्राइवर इस पूरे सीन की वीडियो बना लेते हैं। और हम भी ये कहेंगे कि अगर सभी ड्राइवर एक दूसरे की इसी तरह मदद करने जज्बा रखें तो शायद आधे क्राइम वैसे ही खत्म हो जाएं। ये खबर राजस्थान से। किशन शर्मा श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। सोशल ऐप पर हो रही ठगी के बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी है। जून के महीने में इन्होंने एक सोशल ऐप पर मैसी ट्रैक्टर 2016 मॉडल की ऐड देखी थी। इनको ट्रैक्टर पसंद आया जिसका नंबर था RJ23RB9419, जो किसी कुर्दा राम के नाम पर है, तहसील नीम का थाना सीकर का रहने वाला है। इन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया और क्योंकि कुर्दा राम अपने आप को आर्मी का बंदा कहलवाता है, तो किशन शर्मा ने उस पर विश्वास करके 2,20,000 में डील फाइनल कर दी। इनको 5,500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा गया, जो इन्होंने कर भी दिया, लेकिन इनको ट्रैक्टर नहीं मिला। इन्होंने कुछ ही दिन बाद देखा कि कुर्दा राम ने उसी ट्रैक्टर को दोबारा बेचने के लिए उसकी एड डाली हुई है। इसका रेट इस बार 1,60,000 रुपए था और मोबाइल नंबर और जो एड्रेस दिया गया था वो अलग था, और जब भी फोन पर बात की जाती थी तो अलग ही बंदा फोन उठाता था। पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए तो एक जानकार ने कहा कि कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 4-5 लोगों का गिरोह है और ठगी तगड़ी हो रही है। किशन शर्मा का कहना है कि उनको जितना चूना लगना था लग गया है, लेकिन बाकी जो जनता है वो ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहे, लेकिन हमारा ये कहना है कि पुलिस कंप्लेंट तो होनी ही चाहिए।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले विनोद ने हमें बताया कि उनके भाई अपने खलासी के साथ कुछ दिन पहले कोटा राजस्थान से गाड़ी लोड करके निकले थे अमृतसर के लिए। जब ये रात करीबन 11 बजे भिलवाड़ा से किशनगढ़ वाली रोड पर बने खाचरोल टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उनके फास्टैग अकाउंट से पैसे तो कट गए, लेकिन टोल कर्मियों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने अंडरलोड गाड़ी से ओवरलोड की कमाई करने के लिए गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को ओवरलोड बताकर 10 गुना टोल की मांग करने लगे। ड्राइवर ने जब कांटा करने को कहा तो कांटा करने को मना तो कर ही दिया गया, साथ ही गुंडागर्दी भी करनी शुरू कर दी। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर के साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया और घसीटते हुए उनको सड़क की दूसरी साइड पर ले गए। खलासी वहां से भागकर टोल के आगे वाले होटल से 2-3 लोग बुलाकर लाया और होटल वालों ने आकर ड्राइवर की जान बचाई। अगले दिन पास के थाने मागुनगर में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस वालों द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई और ये भी बताया गया कि अगर होटल वाले टाइम पर ना पहुंचते तो ड्राइवर की जान बच पानी बेहद मुश्किल होती। उत्तर प्रदेश से ये खबर है। ये वीडियो सूबेदार गुरमेल सिंह बरार नाम के चालक ने हमारे साथ शेयर किया है, जो वीडियो में बुजुर्ग आदमी है। इनका नाम अवतार सिंह है, लुधियाना के पास गिल गांव के रहने वाले हैं। गुरमेल सिंह ने बताया कि अवतार सिंह और ड्राइवर मोहाली पंजाब से गाड़ी लोड करके कलकत्ता जा रहे थे। रास्ते में इनके और ड्राइवर के बीच में कुछ कहा सुनी होगी, जिस वजह से ड्राइवर ने इनको बीच रास्ते शाहजहांपुर यूपी में छोड़ दिया। और गुरमेल सिंह उस वक्त पूर्णिया बिहार से गाड़ी लोड करके सरहंद पंजाब जा रहे थे, जब रास्ते में माइकलगंज कस्बे के पास इन्होंने गुरुद्वारे में इनको तो उस पर तरस आ गया और साथ ही उनको कुछ पहले तो खाने पीने को दिया और ये भी बताया कि इन बुजुर्ग के पास ना पैसे हैं ना कोई आईडी कार्ड, ऊपर से अनपढ़ भी हैं और इनको यहाँ पर जो ड्राइवर छोड़ के गया है उसके लिए ये बेहद शर्म की बात है। और गुरमेल जी का ये भी कहना है कि जहाँ तक उनका रूट बनेगा वो अवतार सिंह की मदद करेंगे, उनको साथ लेकर जाएंगे, लेकिन आगे उनकी भी मजबूरी है। और गाँव वालों को ये चालक कहना चाहते हैं कि वो चालक जो अवतार सिंह को बीच रास्ते में छोड़कर गया है उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए ताकि ये गलती दोहराई ना जाए। अगली खबर की ओर लिए चलते हैं, ये खबर भी उत्तर प्रदेश से। रामपुर से ये चालक है मोहम्मद फुरकान, कुछ दिन पहले कोलकाता से मुरादाबाद यूपी कच्चा माल लेकर जा रहे थे। इन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे ये नौबतपुर बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले इस टोल प्लाजा पर जब पहुंचे तो वहां पर बालू गिट्टी की गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था और सुबह तक इनको वहीं पर लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और जब गाड़ी वालों के सब्र की इंतहा होगी तो इन्होंने लगातार टोल पर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिस पर टोल कर्मी इनकी गाड़ी के पास आए और देखिए इस तरह से बर्ताव करने लगे। ड्राइवर ने अपनी मजबूरी भी बताई कि गाड़ी में कच्चा माल लोड है, लेकिन फिर भी उनको डंडा मारने की कोशिश की गई। तकरीबन डंडा उनको लगे जाना था लेकिन बचाव हो गया। ड्राइवर साथ ही स्टोल कर्मी की वीडियो बनाना जब शुरू कर देते हैं तब जाकर उनकी जान छोड़ी जाती है, उनको वहां से निकलने दिया जाता है। और अभी ये ट्रक ड्राइवरों की सहन शक्ति ही कह लो, जो इतना घटिया बर्ताव भी बर्दाश्त कर जाते हैं। महाराष्ट्र से ये खबर है। ये ड्राइवर है भरत लोखंडे, मुंबई में रहते हैं, ओला उबर में कैब चलाते हैं। इसमें वीडियो में देखिए कि उन्होंने वैगनार गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर चारों तरफ प्लास्टिक शीट लगा रखी है, उसे कवर किया हुआ है, जिससे जाहिर सी बात है कि ड्राइवर की सवारियों से और सवारियों की ड्राइवर से सेफ्टी रहेगी। और अगर देखा जाए तो कहीं कहीं कैब्स में ऐसी प्लास्टिक शीट लगाए हमने देखा भी है गाड़ियों में, तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी खास बात है। तो सबसे पहली बात ये कि प्लास्टिक शीट को वर्कशॉप में नहीं बल्कि ड्राइवर ने अपने घर पर ही लगाया है। दूसरी बात, ड्राइवर ने कैश लेन देन के लिए इसमें एक सी खिड़की भी लगाई हुई है, जो ट्रांसपेरेंट शीट होने की वजह से शायद हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ड्राइवर के मुताबिक जो तीसरी अहम बात है वो ये कि शीट लगवाने पर खर्चा कम से कम 1500 रुपए का आता है, लेकिन घर पर इनका सिर्फ 700 रुपए का खर्चा आया है, यानी फायदे का सौदा कह लीजिए इसे। सेफ भी रहिए वो भी वाजिब दाम में। आपको उत्तर प्रदेश की इस खबर की ओर लिए चलते हैं। घटना है लखनऊ और बाराबंकी बॉर्डर की। ये गाड़ी उन्नाव से आ रही थी, ड्राइवर और ओनर पारस यहाँ प्लांट पर खाद्य लोड करने जा रहे थे, तभी यहाँ कुछ लोकल गुंडों ने, जिन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने गाड़ी वालों से 500 रुपये एंट्री मांगी। जब गाड़ी वालों ने कहा कि ये कौन सा हाईवे है जो एंट्री मांग रहे हो, तो गुंडे गुंडागर्दी पर उतर आए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर और मालिक के साथ मारपीट भी गई। गाड़ी वालों ने पास के गाँव में अपने जानकारों को कॉल किया, साथ ही पुलिस वालों को भी कॉल किया, लेकिन पुलिस के आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो गुंडे पुलिस वालों के सामने भी अकड़ते रहे। और जब गांव वाले वहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने इनकी वीडियो बनानी शुरू की, तभी वो गुंडे वहां से भाग निकले। और जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है उन्होंने बताया कि ये गुंडे सभी गाड़ी वालों को यूं ही परेशान किया करते हैं और इन पर जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये खबर चंडीगढ़ से।
ये वीडियो में देखिए, ये दो एक्टिवा चालक रेहड़ियों को थोड़ा आराम दिलवा रहे हैं। शुरुआत में तो लगता है कि एक्टिवा चालक रेहड़ियों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर सड़कों पर देखा जाता है। पर जैसे ही वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ती है, तब पता चलता है असल किस्सा। और जिस अंदाज में दोनों रेहड़ियों पर एक्टिवा चालक ने पैर टिकाए हुए हैं, उनको धक्का लगा रहे हैं, आप ही बताइए क्या ये सही चीज है? जरा सी ठोकर लगी तो रेहड़ियों का तो खास कुछ जाना ही, लेकिन ये एक्टिवा चालकों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो रेहड़ी रिक्शे को धक्का लगाने की खास जरूरत नहीं होती, तो ये मौज मस्ती के लिए किया जा रहा है या फिर इनकी मदद करने के लिए, लेकिन इन मसलों पर थोड़ा सा समझदारी बरती है। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।